दोस्तों एक बार इस नंबर को ध्यान से देखिए। दरअसल ये जो इतना बड़ा डिजिट है वो इस पूरे ब्रह्मांड का मास है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड का नेट मास जीरो है? वेल आई एम श्योर कि आप मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आप, मैं और हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनमें मास होता है। तो ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यूनिवर्स का मास जीरो नहीं हो सकता। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने स्कूल में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि हम मास को ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। बट आप एक सेकंड के लिए खुद सोचो कि अगर हम मास को क्रिएट कर ही नहीं सकते तो हमारे ब्रह्मांड में इतना मास आया कहाँ से? दरअसल मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि वैक्यूम में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती है, जिसमें से पार्टिकल्स आउट ऑफ नोवेयर फॉर्म हो जाते हैं। दरअसल क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए जब एक पार्टिकल फॉर्म होता है, तब उसी के साथ एक एंटी पार्टिकल भी फॉर्म होता है। और देखा जाए तो उन दोनों पार्टिकल को मिला के उनका नेट मास जीरो होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी मास क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसी हिसाब से हम अपने आसपास जो इतने सारे मैटर्स को देखते हैं, उस मैटर के लिए इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एंटी मैटर भी जरूर होगा, जो कि नेट मास को जीरो कर देगा। और इसीलिए हमारे यूनिवर्स का नेट मास जीरो है।